हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त संजय कुमार स्वामी। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। हमारे चल रहा है एडोब प्रीमियर प्रो। एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं फ्रेम होल्ड के बारे में, जो वीडियो ऑप्शन से है क्लिप मेन्यू के अंदर। लास्ट वीडियो से जस्ट आगे हम बात कर रहे हैं, तो शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, मेरे पास में यहाँ पर एक फुटेज है सीक्वेंस के अंदर, मैं लेके आया हूँ। यहाँ पर देखिए, ये फुटेज है जिसके अंदर आप मेरी दौड़ भी देख सकते हैं इस वीडियो के अंदर। तो इस फुटेज के जरिए मैं आपको फ्रेम होल्ड का ऑप्शन बता रहा हूँ। फ्रेम होल्ड के लिए आपको क्या करना होगा, आप क्लिप मेन्यू के अंदर जाएंगे, वीडियो ऑप्शन के अंदर जाएंगे। आज के जो हमारे टॉपिक हैं उनके अंदर ये सभी ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन है फ्रेम होल्ड ऑप्शंस। क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर होल्ड ऑन, कहाँ पर फ्रेम को होल्ड करना चाहिए, सोर्स टाइम कोड के ऊपर करना चाहिए। जो सोर्स टाइम कोड है उसके ऊपर करना चाहिए, तो ओके करेंगे। और जो यहाँ पर जो ये चल रहा है, यहीं पर ये फ्रेम होल्ड हो गया। पूरा पूरा वीडियो के अंदर सिर्फ यही फ्रेम आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंदर और भी ऑप्शन है, क्लिप के अंदर वापस जाएंगे, वीडियो ऑप्शंस और फ्रेम होल्ड ऑप्शंस के अंदर। इसके बाद में आगे और ऑप्शन है सीक्वेंस टाइम कोड के हिसाब से, या फिर आगे इन पॉइंट, आउट पॉइंट, प्ले हेड। इन पॉइंट से अगर आप करेंगे तो जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर स्टार्टिंग पे फ्रेम होल्ड हो जाएगा। जैसे कि इन पॉइंट करेंगे, इन पॉइंट ओके किया, तो ये जो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर ये फ्रेम होल्ड हो गया। पूरे वीडियो के अंदर यही आपको दिखाई दे रहा है। और इसी तरह से एंड का करेंगे तो बिल्कुल एंड वाला आपको सीन दिखाई देगा। अब देखिए, उसके बाद में आगे उसके अंदर जो ऑप्शन है फ्रेम होल्ड के अंदर, उसके अलावा इन पॉइंट, आउट पॉइंट और जहाँ पर प्ले हेड है अभी उसी जगह को आप करना चाहते हैं, तो जहाँ पर अभी प्ले हेड है उसी जगह को आपने होल्ड कर दिया। इसके अलावा आप नीचे से टाइम के हिसाब से भी कर सकते हैं, उसके अंदर होल्ड फिल्टर्स के अंदर आप अगर अपनी इच्छा से टाइम दें, यहाँ पर मान लीजिए आप 13:47 यहाँ पर करना चाहते हैं, ओके करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर जो फ्रेम था वो यहाँ पर होल्ड हो गया है। तो इस तरह से आप इसको यूज में ले सकते हैं। अब देखिए, फ्रेम होल्ड को हम किस तरह से यूज में ले सकते हैं, ये तो मैंने उन ऑप्शंस को आपको बताया है। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर फ्रेम होल्ड करना है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, होल्ड करने से पहले यहाँ पर कट कर देता हूँ। इस पार्ट को मैंने कट कर दिया, स्टार्टिंग का पार्ट अलग हो गया, ये आगे का पार्ट अलग हो गया। अब मैं इन पॉइंट के ऊपर यहाँ पर ही इसको होल्ड कर रहा हूँ, फ्रेम होल्ड, और जहाँ पर अभी प्ले हेड है उसको कर देते हैं, ओके करेंगे तो अभी यहाँ जहाँ पर हमारा प्ले हेड था वो यहाँ पर होल्ड हो गया। फ्रेम प्ले करेंगे, यहाँ पर आने के बाद में रुक गया है और इसी फ्रेम को हमने होल्ड किया है, तो यहाँ पर एक फोटो की तरह ये रुक गया है। अब क्या करेंगे, मैं इसका डुप्लीकेट बना रहा हूँ, या फिर कंट्रोल सी करेंगे कॉपी, और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब क्या करेंगे, इस जिस फ्रेम को हमने होल्ड किया है उसको थोड़ी सी देर के लिए होल्ड रखेंगे, फिर यहाँ से वापस चलाएंगे। अब देखिए, इतनी सी दूर के ऊपर वो होल्ड किया हुआ फ्रेम है, यहाँ पर देखिए ये होल्ड, और इसको फिर यहाँ से राइट क्लिक करके फ्रेम होल्ड ऑप्शन आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पर होल्ड नहीं करना है, इसको टिक मार्क हटा दें यहाँ से, ओके करेंगे। अब देखिए, तो इस तरह से आप फ्रेम होल्ड को यूज में ले सकते हैं, यानी कि वीडियो का कोई भी एक पार्ट आप थोड़ी देर के लिए वहां पर रोकना चाहते हैं तो फ्रेम होल्ड से आप रोक सकते हैं। सिंपल सा है। और एक और मैं आपको कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, एक और मैं आपको बात बताऊँ, यहाँ पर देखिए, अगर आप डायरेक्ट फ्रेम होल्ड यूज़ में लेना चाहते हैं, इसको सेलेक्ट करें क्लिप को पहले, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑप्शन है इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट। जैसे ही क्लिक करेंगे तो जो हमने अभी काम किया है, यानी कि तीन क्लिप मैंने आपको बनाकर कट करके तीन क्लिप बनाई थी, बीच में होल्ड, फिर उसके बाद में वापस स्टार्ट, और स्टार्टिंग में जो वीडियो प्ले हो रहा था, वो तीनों काम यहाँ से इंसर्ट फ्रेम होल्ड सेगमेंट से हो जाएगा। क्लिक करें तो ये देखिए वीडियो चल रहा है, यहाँ पर रुका और ये वापस चल गया। तो आप इस तरह से इसको यूज में ले सकते हैं फ्रेम होल्ड सेगमेंट से। दूसरा एक और तरीका है, क्लिप वीडियो ऑप्शन ऐड फ्रेम होल्ड। यहाँ पर क्या होगा, कट होने के बाद में
ऐड हो जाएगा फ्रेम होल्ड। देखिए बस, तो आपके पास तीनों ऑप्शन हैं, आप किस तरह से यूज में लेना चाहते हैं कर सकते हैं। इसके अलावा आगे जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर है फील्ड ऑप्शंस। फील्ड ऑप्शंस जो ऑप्शंस है वो किस काम के हैं, जो टीवी के ऊपर हम वीडियो यूज में लेना होता है, मान लीजिए टीवी के लिए, तो उसके लिए कम साइज के अंदर सिग्नल भेजना रहता है। जैसे टीवी हम देख रहे हैं तो उसके ऊपर लाइनें दिखाई देती हैं आपको टीवी के ऊपर। तो देखिए इसका एग्जांपल एक मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये वीडियो देखिए आप, ये इंटरलास्ट आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इस तरह की लाइनें। ये क्या होता है, आप कैमकोडर वगैरह से वीडियो अगर शूट करते हैं या डीवी से, तो उससे अगर आप शूट करेंगे तो इस तरह की लाइनें आपको नज़र आएगी, और वो ज़्यादा बेस्ट रहता है टीवी के लिए। कंप्यूटर के मॉनिटर के ऊपर आपको इस तरह से यूज़ में लेना होगा, तब आपको इन लाइंस को हटाने की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इसको जब आप हटाते हैं, इनको यहाँ से आप रिमूव करते हैं, उसके लिए ये ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। लेकिन अगर आप अपना DSLR से लिया हुआ वीडियो भी जब आप सेव करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे टीवी के लिए, तो वहाँ पर ये लाइंस उसके अंदर भी आ जाएगी, क्योंकि वो टीवी के लिए वहाँ पर फॉर्मेट जो है वो यूज़ में लिया जाने वाला है। और यहाँ से मान लीजिए मैं फ्लिकर रिमूवल इसको यूज़ ले रहा हूँ, ओके करूँ तो यहाँ से ये लाइंस चली जाएगी। देखिए यहाँ पर इस तरह से नज़र आ रहा है, Ctrl Z में करूँगा तो लाइंस वापस आ गई। तो ये यहाँ पर कोई अलग तरह का बग नहीं है, लेकिन ये एक टेक्नोलॉजी है जो टीवी के ऊपर यूज़ लिया जाती है, लेकिन उसी को आप अगर कंप्यूटर वगैरह के लिए यूज़ में लेना चाहते हैं वीडियो को, तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको फील्ड ऑप्शंस जो है, फील्ड ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करके आपको यहाँ से फ्लिकर रिमूवल और डी इंटरलास का आप यूज़ में ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अब अगर देखिए आप किसी वीडियो को सेव करना चाहते हैं, फाइल के अंदर जाएंगे, एक्सपोर्ट मीडिया, और यहाँ पर देखिए AVI फॉर्मेट मैंने सेलेक्ट किया है, NTSC DV वाइड स्क्रीन ये मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, और टीवी के हिसाब से NTSC ये मैंने सिलेक्ट किया है, आप DV PAL सिलेक्ट करेंगे, तो इसके अंदर देखिए ये लाइंस वापस इस फॉर्मेट से है जो टीवी के लिए आप सेव कर रहे हैं उसके लिए वापस ये लाइनें आपको नज़र आएगी, जबकि जी इस ओरिजिनल वीडियो के अंदर आपने ये लाइंस नहीं देखी होगी। तो वो टीवी के लिए यूज़ में लिया जाने वाला है, इसलिए अगर आप अगर कोई DV वाले कैमकॉर्डर से आपने अगर रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो है, तो उसको आपको डी इंटरलांस करने की जरूरत पड़ेगी, अगर उससे बाद में आप टीवी के लिए यूज़ में नहीं लेना चाहते, मॉनिटर या कंप्यूटर के लिए यूज़ नहीं लेना चाहते हैं, तो अदरवाइज आपको जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वापस टीवी के ऊपर ही यूज़ लेना चाहते हैं तो। तो ये इनका डिफरेंस है। उसके बाद में आगे देखिए जो क्लिप के अंदर जो दो तीन ऑप्शन है यहाँ पर है, फ्रेम सैम्पलिंग, फ्रेम ब्लेंडिंग और ऑप्टिकल फ्लो, इन तीनों के बारे में मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। इसी तरह से मैं आपको आगे जो ऑप्शन है वो और बता रहा हूँ, स्केल टू फ्रेम साइज़ और सेट टू फ्रेम साइज़, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए इनके बारे में पहले भी मैंने प्रिफ्रेंस के अंदर बताया था। अब जैसे कि यहाँ पर एक नई सीक्वेंस ले लेते हैं, राइट क्लिक किया इस तरह से, और सीक्वेंस और न्यू सीक्वेंस। न्यू सीक्वेंस अभी जो मेरे पास में वीडियो फुटेज है वो है 720p का, इसकी साइज़ है, तो छोटा ले लेता मैं उससे थोड़ा, तब पता चलेगा हमें। मैं इस साइज़ का ले रहा हूँ 480p का, ये नई सीक्वेंस यहाँ पर ले ली है मैंने। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर इस फुटेज को मैं लेके आऊँगा जो मेरे पास में है, ये फुटेज लेके आया, चेंज सीक्वेंस सेटिंग करूँगा तो सीक्वेंस की सेटिंग फिर नए फुटेज के हिसाब से हो जाएगी, मुझे कीप एग्जिस्टिंग रखना है। और देखिए यहाँ पर अभी ये फुटेज आप देख सकते हैं, क्लिक करने के बाद में यहाँ पर 10% करूँगा या 25% करूँगा तब आपको पता चलेगा। देखिए वीडियो का फ्रेम, इसे फ्रेम कहते हैं, जो अंदर के साइड में आपको दिखाई दे रहा है ये छोटा है, और फुटेज इसके अंदर बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, फुटेज हमारा ओरिजिनल बड़ा है, जो कि आप देख सकते हैं इतना फुल वाइड है, जबकि ये यहाँ पर इसकी साइज़ जो है वो आपको छोटी लग रही है उसकी तुलना में। तो क्या करेंगे, अगर आप इसे राइट क्लिक करने के बाद में स्केल टू फ्रेम साइज करते हैं, तो ये यहाँ पर स्केल हो जाएगा और इसके अंदर बराबर फिट आ जाएगा, ऊपर और नीचे जगह बच रही है, लेकिन उसी रेशियो के अंदर ये छोटा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये जगह रह रही है और उसी रेशियो के अंदर ये छोटा होगा।
इस अगर सेम रेशियो के अंदर यहाँ पर ये होता फ्रेम और फुटेज दोनों, मान लीजिए 1080 पी के अंदर हमारा फुटेज होता और 720 पी के अंदर अगर फ्रेम होता, दोनों का रेशियो सेम होता 16:9 का, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अभी रेशियो 4:3 का है फ्रेम का और 16:9 का है फुटेज का, इसलिए ऊपर नीचे जगह रह रही, तो वो कोई इश्यू नहीं है। तो ये हमने स्केल किया तो ये यहाँ पर स्केल हो गया है। अब देखिए जब हमने स्केल किया स्केल हो गया, और यहाँ पर देखिए वीडियो इफेक्ट्स के अंदर यहाँ पर स्केल के अंदर 100% दिखा रहा है अभी भी, स्केल करने के बाद में भी। राइट क्लिक कीजिए स्केल के अंदर, यहाँ पर राइट चिन्ह आपको नज़र आ रहा है, इसके ऊपर वापस मैं क्लिक करूँगा तो वापस उसी ओरिजिनल पोजिशन के अंदर फुटेज आ गया है और यहाँ पर फिर से 100% ही दिखा रहा है। तो अगर आप यहाँ पर स्केल टू फ्रेम साइज़ करेंगे तो फुटेज एडजस्ट हो जाएगा जितना फ्रेम की साइज़ है उसके हिसाब से, लेकिन यहाँ पर स्केल हुआ है वो 100% ही रहेगा। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, इसको वापस मैं हटा देता हूँ स्केल टू फ्रेम साइज़ को। अब मैं कर रहा हूँ इसको सेट टू फ्रेम साइज़। जैसे मैं सेट टू फ्रेम साइज़ करूँगा यहाँ पर 50 आ गया है इसका, यानी कि छोटा हो गया फुटेज, 50% तक छोटा हो गया। अब देखिए अगर ये आपने यहाँ पर इतना बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटा इतना भी कर दिया है, तो भी बाद में जब आप इसको सेट टू फ्रेम साइज करेंगे तब यहाँ पर देखिए 2.2% है स्केल। अगर आप सेट टू फ्रेम साइज करेंगे तो वापस यहाँ पर 50 आ जाएगा और ये इस तरह से स्केल हो जाएगा, इधर उधर चला गया वो अलग बात है, थोड़ा सा इसको सेंटर में लेके आना चाहिए। और यहाँ पर जो स्केल टू फ्रेम साइज है वो नहीं होगा बाद में। देखिए अगर आप इसकी साइज बड़ी कर देंगे यानी कि 135.4 है, अब इसको आप अगर स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे तो बराबर स्केल नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वही है 135.4 स्केल, इसलिए अगर यहाँ पर आप 100% कर देंगे, 100 किया तो यहाँ पर बराबर आ गया ये। अगर इसको वापस मैं बड़ा कर रहा हूँ 100 की बजाय वो 200 कर देता हूँ, ओके 200, अब वापस मैं स्केल टू फ्रेम साइज करूँगा तो ये 200 का 200 ही रहेगा यहाँ पर, और फुटेज यहाँ पर उसी रेशियो के अंदर छोटा भी हो गया है। तो इसलिए आप स्केल टू फ्रेम साइज करेंगे तो यहाँ पर जो 100% ही रहेगी साइज, और सेट टू फ्रेम साइज करेंगे तो यहाँ पर 50% हो रही है या 25% भी हो सकती है, जितना छोटा होगा उस हिसाब से यहाँ पर स्केल हो जाएगा फुटेज, ये डिफरेंस है इन दोनों के अंदर। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो भी मैं नए वीडियोस डालूंगा उनका अपडेट तुरंत नोटिफिकेशन के जरिए आपको मिल जाएगा, और आप मेरे वीडियो से कनेक्टेड भी रहेंगे। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि आपके दोस्त भी सीख पाएंगे एडोब प्रीमियर प्रो के अंदर वीडियो एडिटिंग। वीडियो देखने के बाद में आप इसकी प्रैक्टिस करें और उसके बाद में आप देखें नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं एक बार फिर से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।